हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमित शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड इन दिस चैनल वी लर्न इंग्लिश। सो टुडे वी हैव अ कॉलम। यहाँ पर हमारे पास कॉलम है। ये है तो आर्टिकल ही, बट हम इसे कॉलम कहते हैं। क्यों न्यूज़पेपर में इसे हम कॉलम कहते हैं? क्योंकि ये कॉलम की तरह लिखा जाता है। जो सीधा सीधा ऐसे लिखा जाए उसे हम कॉलम कहते हैं। एंड द पर्सन हु राइट्स इट इज कॉल्ड कॉलमनिस्ट। सो मैंने यहाँ वर्ड्स लिख दिए हैं। कॉलम जो हम जो आर्टिकल लिखा है से सीधा सीधा, और जो उसको लिखता है उसे कहते हैं कॉलमनिस्ट। सो यहाँ पर हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं। यूपी कपल, यूपी का जो कपल है, बर्नट, बर्नट मतलब जला दिया गया है। बर्नट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ बर्न। बर्न की थर्ड फॉर्म है बाय। बाय मीन्स के द्वारा। सो यूपी कपल बर्न, जला दिया गया है। किसके द्वारा? के द्वारा। किसके द्वारा? वुमेन्स फैमिली, जो लड़की है, लड़की की फैमिली। वुमेन्स में आपको ये पिछली अपोस्ट्रॉफी समझा चुका हूँ, इसका मतलब होता है का। तो लड़की की, का या की या के मतलब हो सकता है इसका। सो वुमेन की फैमिली, वुमेन की फैमिली द्वारा जला दिया गया है वो दोनों कपल। थ्री अरेस्टेड, और तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आगे पढ़ लेते हैं हम। सो बांदा, बांदा की बात है ये। अ 19-year-old वुमेन, एक 19 साल की जो औरत है या लड़की है, एंड हर पार्टनर, और जो उसका साथी है, जो कपल में उसका साथी है, वर एलिजिडली बर्न्ड। तो यहाँ पर एक वर्ड आया एलिजिडली। हम एलिजिडली पढ़ लेते हैं पहले। एलिजिडली का मतलब होता है आरोप लगाते हुए। जब हम किसी पर आरोप लगाते हैं और हमारे पास कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं होता है, तो हम उसे एलिजिडली बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया एलिजिडली की स्पेलिंग में। एलिजिडली, सो एलिज करना मतलब आरोप लगाना। आगे बढ़ते हैं। वर एलिजिडली बर्न्ड टू डेथ। सो आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जला जला करके मार दिया गया। बर्न टू डेथ, ये मैं चीज़ें समझा चुका हूँ। जैसे स्टोन टू डेथ, पत्थर मार मार के जला दिया गया है, या फिर बीटन टू डेथ आप कह सकते हो कि मार मार करके मार दिया गया है। सो यहाँ पर बर्न टू डेथ है, इसका मतलब जला करके मार दिया गया है। बाय हर फैमिली, उनकी फैमिली के द्वारा। किसकी फैमिली? उस वुमेन की फैमिली के द्वारा। इन अ विलेज, इन उत्तर प्रदेश, गांव के एक उत्तर प्रदेश के एक गाँव में, जो कि उत्तर प्रदेश बांदा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम है बांदा। पुलिस सेड ऑन थर्सडे, सो पुलिस ने थर्सडे को कहा है, द इंसिडेंट टुक प्लेस। यहाँ पर जो एक वर्ड है टुक प्लेस, इसका मतलब क्या होता है पहले हम सीख लेते हैं। टुक प्लेस क्या होता है? पहले होता है टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है किसी घटना का होना, कोई घटना का होना। तो टुक प्लेस जो है वो इसकी पास्ट फॉर्म है। सिंस द आर्टिकल इज रिटन इन पास्ट, सो वी हैव रिटन द सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ टेक। सो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन वेंसडे। सो इंसिडेंट ने कब हुआ ये, कब घटा है ये? ऑन वेंसडे, वेंसडे को घटा है, इवनिंग, इवनिंग शाम को, इन करचा, करचा गांव में, करचा विलेज में हुआ है। इन माताउंद एरिया, जगह का नाम है माताउंद एरिया। व्हेन द फैमिली मेंबर्स एलिजिडली कॉट द कपल, सो जब फैमिली मेंबर्स ने, व्हेन द फैमिली मेंबर्स एलिजिडली, आरोप लगाया जा रहा है उन पर, मेंबर्स पर, कि उन्होंने जब उन कपल्स को पकड़ा, इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन, इन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पोजिशन। सो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन क्या होती है? अ पोजिशन व्हेन अ पर्सन फील्स एम्बेरेस्ड व्हेन समबडी नोटिसेस दैट पर्सन। सो जब कोई व्यक्ति उसको नोटिस करता है उस पोजिशन में, वो एम्बेरेसिंग पोजिशन हो जाती है, उसे हम कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन कहते हैं। दे सेड, आप समझ सकते हो कि वो आसपास होंगे, इसीलिए उसको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन कहा गया है। दे एलिजिडली लॉक्ड देम, सो आरोप लगाया जा रहा है उन लोगों पर। एलिजिडली यहाँ पर फिर से आया, दे एलिजिडली लॉक्ड देम। तो उन लोगों ने क्या किया, उन दोनों को लॉक्ड कर दिया इन अ हट। हट क्या होता है? हट होता है झोपड़ी। सो हट मीन्स झोपड़ी। एंड सेट इट ऑन फायर, ये इफ़ लिखा है, यहाँ इट आएगा, सेट इट ऑन फायर। और सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना।
उसको आग लगा दी झोपड़ी में, उसको उन दोनों को बंद किया एंड सेट इट ऑन फायर। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने क्या कहा, महेंद्र प्रताप सिंह नाम है उनका, उन्होंने कहा बोथ वर रश टू अ लोकल हॉस्पिटल। रश में पहले भी वर्ड बता चुका हूँ, रश का मतलब होता है जब हम जल्दी से किसी को कहीं पर लेकर के जाते हैं उसे कहते हैं रश, तेजी से भागना, तेजी से भागना। सो बोथ वर रश्ड टू अ लोकल हॉस्पिटल, दोनों को, बोथ मीन्स दोनों, वर रश्ड, दोनों को ले जाया गया जल्दी से टू अ लोकल हॉस्पिटल, एक लोकल एरिया के हॉस्पिटल में, वेयर भोला, लड़के का नाम भोला होगा, 23 इयर्स का है, डाइड, और वो मर गया। द वुमेन हुज नेम इज़ प्रियंका, हु सफर्ड, जिसने सफ़र किया 80% बर्न्स, सो 80% वो जल चुकी है, 80% उसके बर्न्स आ चुके हैं, बर्न्स मतलब जले के निशान, बर्न्स मतलब चले के निशान। एंड वॉज रेफर्ड टू अनदर, रेफ़र करना मतलब किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं ना, सो उसे कहते हैं रेफ़र। एंड वॉज रेफर्ड टू अनदर फैसिलिटी इन कानपुर, सो दूसरे हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर दिया गया है कानपुर। सकम्ड ऑन द वे, बट यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सकम, सकम का मतलब हो जाता है हार मान लेना, या फिर मर जाना भी इसका सेंस में होता है। सो वो क्या कर गई, सकम कर गई है, इसे हम सकम पढ़ते हैं। सो वेयर इज दैट, सकम ऑन द वे, और रास्ते में वो सकम कर गई, मतलब वो लड़ाई नहीं लड़ पाई अपनी ज़िंदगी और मौत से, और वो रास्ते में ही डेथ हो गई। ही सैड एन अफायर हैज़ बीन लॉज्ड, सो वो जो यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने कहा है, ही उनके लिए यूज़ किया गया है, ही सैड एन अफायर हैज़ बीन लॉज्ड, एक FIR हो चुकी है, लॉज हो चुकी है, लॉज का मतलब होता है दर्ज कराना। दर्ज कराना, सो FIR लॉज कर दी गई है, has been lodged against 9 members of the women's family. So women की जो family के 9 member हैं उनके against, against मतलब खिलाफ, खिलाफ उनके खिलाफ 9 जो members हैं उनके खिलाफ FIR lodge करा दी गई है, दर्ज करा दी गई है। family and 3 of them have been arrested, और उनमें से जो 3 है, 3 of them मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, 1 of them उनमें से एक, या फिर 2 of them उनमें से दो, इसी तरह से 3 ऑफ देम हो जाएगा, तो उनमें से 3 जो हैं हैव बीन अरेस्टेड, वो 3 अरेस्ट कर लिए गए हैं। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल मतलब वो जो काम करते हैं पुलिस ऑफिसर, उनको हम ऑफिशियल कहते हैं, तो वो उस ऑफिशियल ने कहा है। सो दिस वाज अ कॉलम फ्रॉम द न्यूज़पेपर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।